साल 2015, छत्तीसगढ़ का एक गांव, गांव का नाम था मदनपुर, और मदनपुर में भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ दिल्ली से आए एक नेता को सुन रही थी और वो नेता मन से यही कह रहा था, जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम और हमारी पार्टी आपके साथ। उस नेता के ठीक बगल में बैठा था एक और नेता जो प्रदेश का प्रमुख था और लगातार उस समय आदिवासियों की आवाज़ बन रहा था और आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था। आप पिक्चर में देखेंगे, जूम किया जा रहा है और उसमें वो नेता राहुल गांधी के बगल में बैठा है। उस समय वो लगातार मौजूदा सरकार और अडानी इंटरप्राइजेस को घरियाया करता था कि ये लोग आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं। ये उस दौर की बात है जब हसदेव संघर्ष चल रहा था और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे, और वो संघर्ष आज भी चल रहा है। और उसी संघर्ष को लेकर यही भूपेश बघेल जो राहुल गांधी के बगल में बैठे थे और आदिवासियों की आवाज बन रहे थे, उन्होंने क्या बयान दिया है, सुनिए। बोले देवला के नहीं, तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे। बयान में इन्होंने अमित शाह जी की तरह साफ साफ तो नहीं कहा कि यह मात्र जुमला था, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि हर कोई मेरी तरह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता राजनीति करके। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ मैया का खूब सम्मान बढ़ाया, बोरेवासी से लेकर गढ़ कलेवा, राज की गमछा से लेकर राज की गीत तक। राज की गीत लोकगीत की पहली लाइन है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। आप कहीं पे भी सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे या सिनेमा हॉल में, आपको सुनने को जरूर मिल जाएगा। और इस पहली लाइन में दो नदियों का जिक्र है, अरपा नदी और महानदी। जब भी आप कहीं जाएं और ये सुनने को मिले तो तुरंत ट्वीट करके सरकार और सरकार के मुखिया से एक बार जरूर पूछें कि हसदेव काटने के बाद अरपा और महानदी में मिलने वाली हसदेव नदी का भविष्य क्या होने वाला है, हसदेव के जंगल कटने के बाद बांगो डैम का भविष्य क्या होने वाला है। और अगर आपको जवाब मिले तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें, ताकि मैं आपके नए वाले जवाब और सरकार के पुराने वाले जवाब को मिलाकर इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्ट में माननीय महोदया राज्यपाल को भेंट करूं और उनसे जवाब मान सकूं कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्यों चुप बैठी थी। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य एक घना जंगल है जो 1,500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है। इस घने जंगल के नीचे अनुमानित रूप से 5 अरब टन कोयला दबा है। इलाके में खनन बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, जिसका स्थानीय लोग मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ विपक्ष और आदिवासी ही नहीं इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का एक धड़ा है जो इसका विरोध कर रहा है। इसमें राहुल गांधी जी का भी नाम जोड़ लीजिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सन 2015 और 18 के दौरान प्रचार के दौरान यही कहा था कि मौजूदा सरकार, मतलब तब की भाजपा सरकार, अडानी इंटरप्राइजेस से मिली हुई है और आदिवासियों को लूट रही है और उनको घरों से निकाल रही है। आज वही भूपेश बघेल जिस सरकार के मुखिया हैं, उसी सरकार एक जवाब देती है और कहती है कि अब सरकार ने बीते मार्च में परसा पूर्व केटे बेसन कोयला ब्लॉक में 1,136 हेक्टेयर में कोयला खनन के लिए मंजूरी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए दे दी थी। और नियमों पर गौर करिएगा, ये वो नियम की बात कर रहे हैं। इस नियम से याद आता है कि 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। रिपोर्ट में बताया गया था कि हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और उराव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियाँ और 166 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें 18 वनस्पतियाँ खतरे में हैं। मान लेते हैं यह रिपोर्ट फर्जी है और नकली है, इसको सही नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता एक कारण जो सरकार के खनिज विभाग ने दिया था। उस कारण को आलोक शुक्ला, जो लगातार हसदेव संघर्ष से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया और सरकार से एक सवाल पूछा। आलोक लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ खनिज विभाग ने 19/1/2021 को केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के भूमि अतिग्रहण पर रोक लगाई थी।
कारण पत्र में दर्शाए गए हैं। एक वर्ष में जंगल में ऐसे क्या बदलाव आ गए कि खनन हेतु ईसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है? सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि जितने अंडे सरकार को, प्रदेश सरकार को पड़ रहे हैं, उतने भाजपा और केंद्र की सरकार को पड़ने चाहिए थे, लेकिन इसमें वो केंद्र की सरकार मजे लूट रही है और भाजपा मजे लूट रही है। इसलिए तमाम साथी जो हसदेव से जुड़े हुए हैं, जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आलोक पुतुल हो गए, बिपाशा पॉल हो गए, आलोक शुक्ला जैसे तमाम साथियों के साथ मिलकर प्रदेश भाजपा सरकार भी लगातार सवाल उठा रही है, जबकि उनका यह हक नहीं बनता है। उनका हक बनता है कि वो अपनी केंद्र सरकार को समझाएं और इसमें अड़ंगा लगवाएं, लेकिन वो भी पीठ पीछे राजनीति कर रहे हैं, ठीक वही राजनीति जिसकी बात कका ने की थी। आप राजनीति मत करिए, आप सवाल पूछिए, क्योंकि हमको आपके सवाल के जवाब को लेकर इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्ट में माननीय महोदया राज्यपाल को भेंट देना है। नमस्कार।